सविता तू खा क्यों नहीं रही? मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरे नाम से मेरे दोस्तों को सोशल मीडिया पर अश्लील तस्वीरें और मैसेजेस भेज रहा है। इसका मतलब तू फेक आइडेंटिटी की शिकार हो चुकी है, यानी कोई नकली सविता बनकर तेरे नाम से फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। ओह, तू घबरा मत, फौरन सोशल मीडिया की हेल्प पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कर और प्राइवेसी सेटिंग में जाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट को अनजान लोगों की पहुंच से दूर रख। जी हाँ, आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। आंटी, शिखा कहाँ है? अंदर बैठी है खाना पीना छोड़कर। कोई उसे ऑनलाइन गलत सलत मैसेजेस भेजता है। ओ, साइबर बुलिंग। अरे मैंने तो कहा उससे कि बेटी तू इंटरनेट का इस्तेमाल ही छोड़ दे। नहीं आंटी, इंटरनेट का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन सावधानी के साथ, जैसे अनजाने मेल्स और मैसेजेस का जवाब न देना, हर किसी को अपनी तस्वीर न भेजना, अपना फोन नंबर किसी को न देना, साइबर बुलिंग करने वाले को तुरंत ब्लॉक करना। सोशल मीडिया पर ऐसे अपराध के लिए सोशल मीडिया की हेल्प पर जाकर शिकायत। आई कांट बिलीव, देखिए तो किसी कंपनी के ड्रॉ में हम लकी विनर हैं। ओ माय गॉड, हमारी तो दुनिया ही बदल गई। अरे कौन सी दुनिया में हो तुम? क्या मतलब? अरे फ्री टूर, लॉटरी, गिफ्ट प्राइज, ये सब साइबर ठगी के धंधे हैं। पहले लालच दिखाएंगे और फिर प्रोसेसिंग फीस जमा करने को कहेंगे। बैंक और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लेकर अकाउंट की सारी जमा पूंजी साफ कर सकते हैं। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी, जैसे कि अकाउंट नंबर, पासवर्ड, कार्ड नंबर, CVV, पिन, OTP वगैरह भूलकर भी मत देना। ऐसे स्पैम मैसेजेस फौरन डिलीट कर देने चाहिए। क्या हुआ सीता, तुम कुछ उदास लग रही हो? मेरे नाम से किसी ने फेसबुक पेज बनाकर उस पर अश्लील चीजें पोस्ट कर रहा है। पेज पर उसने हमारी फोटो भी लगा रखी है। इससे दोस्तों और रिलेटिव्स में हमारी बहुत बदनामी होगी। तुमने किसी के साथ अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर तो नहीं की? मुझे याद आया कि पिछले सप्ताह ऑनलाइन चैट करते हुए मैंने अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर इत्यादि एक नए ऑनलाइन फ्रेंड के साथ शेयर किए थे। बस यही हो गई ना तुमसे भूल? तुरंत फेसबुक हेल्प पर जाकर फेक अकाउंट की रिपोर्ट करो। ओफो, क्या हुआ? एक महिला का किसी ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और जाने क्या क्या पोस्ट कर दिया उस पर। ऐसे में जिस सोशल साइट पर ये सब हुआ है, सीधे संबंधित सर्विस प्रोवाइडर को रिपोर्ट करें, लेकिन कुछ सावधानियां बरते तो। जैसे? सोशल साइट्स पर सोच समझ कर फ्रेंड्स बनाएं, अपना पासवर्ड लंबा और यूनिक रखें, कहीं भी अपनी निजी जानकारी ना दें। पर फिर भी अगर कहीं फंस जाएं तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत करें। पता नहीं मुझे इस ग्रुप में किसने ऐड कर लिया। यहाँ कितनी गंदी चीजें लिखते हैं, ये लोग कितने भद्दे फोटोज और वीडियो शेयर करते हैं, यहाँ तक कि बच्चों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं। न जाने ये अश्लीलता कौन फैला रहा है। किसी भी प्रकार की चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता देखना या प्रसारित करना कानूनन अपराध है। दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माना हो सकता है। आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी अथवा बाल अश्लीलता एवं अन्य अश्लील सामग्री जैसे कि रेप और गैंग रेप वीडियो से संबंधित शिकायत www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। साइबर अपराधों से बचाव संबंधित सुझावों के लिए हमें ट्विटर हैंडल @cyberdost पर फॉलो करें। सर, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया। सर, आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ। मैडम, आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रूपए और 3 महीने में आपको मिलेंगे 40,000 रूपए। फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर स्कैम फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। बहकावे या लालच में कभी भी ऐसे मैसेजेस, ईमेल व फोन कॉल्स का जवाब ना दें। सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान। शिखा, चल शॉपिंग चले, मैं हॉलिडे पर जा रही हूँ। अरे अचानक प्लान बन गया? हाँ, कल ही मुझे ईमेल आया था, उसमें लिखा था मैंने 5 दिन का हॉलिडे जीता है, बस क्रेडिट कार्ड की डिटेल दी और हॉलिडे बुक हो गया। जल्दी से अपना क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करा, मैं भी इस चक्कर में एक बार 20,000 रूपए गवा चुकी हूँ। कभी किसी अनजान को अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी ना दें, ऐसे ऑफर्स के झांसे में ना आएं। और अगर आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड का गलत इस्तेमाल हुआ हो तो इसकी जानकारी अपने बैंक को तुरंत दें और कार्ड ब्लॉक कराएं। आपकी सतर्कता और सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। साइबर अपराधों से संबंधित शिकायतें www.cybercrime.gov.in पर दर्ज कराएं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भारत सरकार द्वारा साइबर क्राइम से बचने के लिए हर क्षेत्र में एक साइबर कैफे बनाया गया है, जहां पर जाके आप अपने नजदीकी साइबर कैफे पे वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बच सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिए, उसकी आपको समस्या का समाधान मिलेगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब।